सो वेलकम बैक गाइस, फिर एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। गाइस आज के इस वीडियो में हम आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स का यहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे। यहाँ पे टीम हम सेलेक्ट करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प हो सकता है, आप जीत सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे विकेट्स कीपर्स में आप किसी को भी ले सकते हो। पार्थिव पटेल को भी लेने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि दोनों ओपनर्स है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेकमेंड करूँगा कि जॉस बटलर को ले लो आप। अदरवाइज आपका अगर क्रेडिट्स कम गिरे तो आप पार्थिव पटेल को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम तो थोड़ा बाद में लेते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ब्रश से। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो 8.5 है और 10.5 आपको पॉइंट्स यहाँ पे कम गिर सकते हैं, इसलिए मैं विकेट कीपर को बाद में लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो विराट कोहली, ए बी डी विलियर्स को ले लेना। तो बाद में हम अजिंक्य रहाणे को लेते हैं जो कि यहाँ पे अच्छा फॉर्म में है, और संजू सैमसन को भी ले लेते हैं। तो गाइस पता ही होगा संजू सैमसन और एटमायर खेल सकते हैं, लगता है एटमायर बहुत दिन से नहीं खेला है तो कल का मैच में ठीक से खेल सकते हैं। और यहाँ पे बेन स्टोक्स को ले लीजिए, ऐसा लगता है बेन स्टोक्स भी अच्छा खेलेंगे, और मोइन अली इज ओपनर। तो गाइस और यहाँ पे बॉलर्स में आपको मैं दो तीन टीम करके दिखा देता हूँ जिसमें आपको अच्छा चलेगा। तो गाइस ऐसा ही देखते रहना, आपको पता चल जाएगा पूरा सा। अब बॉलर्स में ले सकते हो उमेश यादव या चाल, मैं चाल को लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे चाल होने के बाद कुलकर्णी को लेता हूँ, एक अच्छा बॉलर है। तो मुझे इतना विश्वास नहीं है कि दोनों टीमों में इतना अच्छा बॉलर्स है, जो ऊपर आर्चर भी अच्छे खेलते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास कितना पॉइंट्स बचे है, देख सकते हो 8 पॉइंट्स बचा है, तो 8.5 तो चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ बदलाव करते हैं, बेन स्टोक्स के जगह यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम को लेते हैं, के गौतम। तो यहाँ पे बैट्समैन में आप किसी को भी निकाल सकते हो, विराट कोहली को निकाल के आप स्टीवन स्मिथ को भी ले सकते हो या विराट कोहली को, जब आप जॉस बटलर को ले सकते हो। मैं जो टीम को आप प्रीव्यू करके दिखाऊंगा यहाँ पे, सो मैं और एक टीम भी बनाऊंगा, उसको भी मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे। देख सकते हो जॉस बटलर विकेट कीपर, अजिंक्य रहाणे, स्टीवन स्मिथ, संजू सैमसन, ए बी डी विलियर्स, एटमायर और कृष्णप्पा गौतम, मोइन अली, जोपर आर्चर और धवल कुलकर्णी, यजवेंद्र चहल। ये तीनों बॉलर्स तो सही है, तीनों बॉलर्स को ले लेना। इनसे अच्छा तो अभी बॉलर्स दोनों टीमें भी नहीं हैं। तो गाइस इसको मैं रिकमेंड करूँगा, जो आप कोई भी टीम लो लेकिन ये तीन बॉलर्स को लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं कृष्णप्पा गौतम को ले आऊँ क्योंकि मेरे पास इतना पॉइंट्स ज़्यादा नहीं था। तो अभी बेन स्टोक्स को भी ले सकते हो, अगर दूसरा प्लेयर्स को ले तो पॉइंट्स ज़्यादा होगा। मोइन अली खेल सकते हैं कल का मैच, तो अच्छा खेल सकते हैं, ऑलराउंडर है मोइन अली। तो यहाँ पे इसका साथ साथ अजिंक्य रहाणे भी बहुत ही अच्छे खेलते हैं, और स्टीवन स्मिथ और संजू सैमसन तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, ए बी डी विलियर्स भी बहुत ही अच्छा फॉर्म है, और एटमायर ऐसा लगता है कि कल का मैच अच्छा खेलेंगे। तो गाइस इस मैच में आपको मैं दिखाता हूँ कि और एक दो तीन टीम बना के दिखाता हूँ, तो इसको कंटिन्यू करके इस अगर लिए तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एटमायर को कैप्टन बनाओ और जीत सकते हो। एटमायर को कैप्टन बनाया हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कल एटमायर खेलेंगे या नहीं, ये भी पता नहीं। तो उस मैच में अगर एटमायर खेल लिए तो देख लेना, जब अपडेट आएगा तो अगर एटमायर खेल रहे तो उनको कप्तान बना लो। मुझे ऐसा लगता है कि कल शमरन एटमायर बहुत ही अच्छे खेलने वाले हैं, मैं वाइस कप्तान यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को बना दिया हूँ। तो गाइस देख सकते हो इस अब टीम को मैं और एक टीम बना के भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैं टीम प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अजिंक्य रहाणे को वाइस कप्तान बनाया हूँ और शमरन एटमायर को कप्तान, क्योंकि दोनों ओपनर्स है तो अच्छा से खेल सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे सनराइज़र्स हैदराबाद और आरसीबी के मैच में दोनों ये ओपनर्स एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे बेरिस्टो, लेकिन सेंचुरी लगा दिए, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है आईपीएल में। मैं इसलिए यहाँ पे शमरन एटमायर को कप्तान बनाया हूँ। तो गाइस मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि यही टीम लो, मैं और एक टीम बना के भी लूँगा आप। अदरवाइज़ इस टीम आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको मैं पहले से मैं और एक टीम बना के आपको बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे इस बार हम पार्थिव पटेल को लेते हैं, तो अच्छा खेल सकते हैं पार्थिव पटेल भी। तो इसके बदले में ए बी डी विलियर्स को नहीं लेते हैं कल के मैच में, और यहाँ पे ए बी डी विलियर्स के बदले में और यहाँ पे विराट कोहली को ले लेते हैं और संजू सैमसन को ले संजू सैमसन और रहाणे को रहने देते हैं, और इसमें राहुल त्रिपाठी को लेते हैं। तो देख सकते हो शमरन एटमायर को तो रखते हैं, आप शमरन एटमायर को रख सकते हैं या निकाल सकते हैं, मैं तो शमरन एटमायर को रख देता हूँ। तो देख सकते हो शमरन एटमायर को मैं रख दिया हूँ, और ऑलराउंडर्स की जगह आप कृष्णप्पा गौतम को छोड़कर यहाँ पे
बेन स्टोक्स को ले सकते हो। मुझे माइकल स्टोनिक्स के बारे में तो अभी पता नहीं है, माइकल स्टोनिक्स अभी एक मैच में नहीं खेले है तो उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। अगर खेल रहे तो ज़रूर लेना लेना ना, माइकल स्टोनिक्स बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बिग बैश लीग में भी बहुत ही अच्छा खेले थे। तो आप कृष्णप्पा गौतम को भी फिर एक बार ले सकते हो, या अदरवाइज यहाँ पे मोइन अली को ले सकते हो, ये दो ही ओपनर यहाँ पे दो ही ले सकते हो आप, देख सकते हो। यहाँ पे बॉलर्स की जगह उमेश यादव को भी ले सकते हो यहाँ पे, जो प्रार्सर की जगह में, जो यहाँ पे चाल यहाँ पे कुलकर्णी की जगह में जो प्रार्सर को भी ले सकते हो, जो कि यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे 11 प्लेयर्स हो गए। तो अभी इस सोडी का भी पता नहीं, इस सोडी नहीं खेला है अभी मैच, और उनाट कर्ड भी ले सकते हो आप अगर लेना है तो। कुलकर्णी को नहीं लिया हूँ इस मैच में, इस टीम में, तो ऐसे देख सकते हो इतना ही लिया हूँ मैं अभी आपको। मैं मम्मा सिराज को भी रिकमेंड इतना ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वो भी अच्छा फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कप्तान चेंज करना चाहिए ऐसा लगता है। आप कप्तान किसको बना लो मैं बोल लेता हूँ, आप देख सकते हो इस मैच में आप कप्तान संजू सैमसन को वाइस कप्तान बनाओ और विराट कोहली को कप्तान बनाओ। ऐसा लगता है कि विराट कोहली भी बनाएंगे अच्छा स्कोर, बहुत दिन से नहीं खेला है विराट कोहली, इसलिए मैं उनको कप्तान बनाया हूँ और संजू सैमसन को वाइस कप्तान, और राहुल त्रिपति को भी लिया हूँ और पार्थिव पटेल जॉस बटलर की जगह पे लिया हूँ। तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि दो दो टीमें लेकर आप इस ड्रीम इलेवन के खेलो ताकि आप अच्छा से विन हो सकते हो। देख सकते हो जो कि मैं यहाँ पे टीम लिया हूँ बहुत ही अच्छा टीम है, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये टीम लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि पाँच बैट्समैन्स लिया हूँ मैं, पाँच बैट्समैन्स में आप रिकमेंड करूँगा कि इन तीन किसी तीन बैट्समैन को तो ज़रूर ले लेना। और यहाँ पे आप कृष्णप्पा गौतम को भी ले सकते हो यहाँ पे, और बेन स्टोक्स को भी ले सकते हो, ऑलराउंडर किसी एक ऑलराउंडर को भी ले सकते हो। मैं तो यहाँ पे मोइन अली और बेन स्टोक्स को ही लिया हूँ। तो बॉलर्स में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इतना ही बॉलर्स है, इनसे ज़्यादा भी नहीं है, तो इनकी जगह आप और यहाँ पे धवल कुलकर्णी है, इनसे अभी धवल कुलकर्णी भी बहुत ही अच्छे खेलते हैं। मैं उनको इस टीम में तो नहीं लिया हूँ, जो पहले के टीम में लिया था जो प्रार्चर, मुझे लगता है कि अच्छा खेलेंगे जो प्रार्चर, और यहाँ पे उमेश यादव को लिया हूँ और चाल को दोनों ही टीम में लिया हूँ क्योंकि चाल एक अच्छा बॉलर है। मुंबई के मैच में चार विकेट्स लिए थे, तो ऐसा विकेट्स लेते हैं तो आपके पॉइंट्स भी ज़्यादा हो जाएगा, विन होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे इस टीम का आपको आज अभी यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इनके जगह यहाँ पे अगर यहाँ पे विराट कोहली ले लिया तो यहाँ पे क्रेडिट्स कम गिरेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे बेन स्टोक्स को निकाल कर कृष्णप्पा गौतम को लेकर यहाँ पे एवी डी विलर्स और विराट कोहली दोनों को टीम में रख सकते हो। मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक ही प्लेयर का दो दो क्रेडिट्स ज़्यादा रहने वाला प्लेयर्स को मत लीजिए क्योंकि पता नहीं चलता कि अभी दो दो प्लेयर्स खेलना मुश्किल होता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको अगर लगता है तो दोनों प्लेयर्स को भी ले सकते हो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड तो नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पे एक चेंजेस करके दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो, मैं यहाँ पे चेंजेस और चेंजेस कर रहा हूँ। मैं ऑलराउंडर की जगह पे बेन स्टोक्स को निकाल कर यहाँ पे कॉलिन डी ग्रांडोम को भी ले सकते हो अगर आपको विश्वास है तो। यहाँ पे बैट्समैन में एटमर अभी नहीं खेले, तो अगर यहाँ पे बैट्समैन में कोई भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी, तो यहाँ पे एवी डी विलर्स को ले सकते हो ऐसा इस तरीके से। फिर देख सकते हो यहाँ पे क्लासन तो नहीं खेलेंगे, तो इस टीम में आप देख सकते हो यहाँ पे पार्थिव पटेल को भी लिया हूँ। तो जॉस बटलर ने लगता है कि कल का मैच अच्छा खेलेंगे मुझे लग रहा है, तो खेल भी सकते हैं तो मैं भी नहीं बोल सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पार्थिव पटेल को ले लीजिए, आपको अगर क्रेडिट्स करेक्ट होना है तो, आप अदरवाइज नहीं ले सकते हो यहाँ पे, आपको नहीं लेना है तो। और यहाँ पे अर्जिंक्य रहाणे को ले लो, मुझे पता नहीं अजिंक्य रहाणे को मैं सभी टीम में लिया हूँ, संजू सैमसन को भी लिया हूँ, त्रिपाठी भी लगता है अच्छा फिनिश करेंगे, और एबी डी विलर्स विराट कोहली दोनों को लिया हूँ इस टीम में मैं। और यहाँ पे कॉलिन डी ग्रांडोम मोइन अली को ले लीजिए यहाँ पे, अगर क्रेडिट्स अच्छा है तो आप स्टोक्स को ले सकते हो, बेन स्टोक्स और जोपरा आर्चर को भी ले लीजिए, और उमेश यादव और चाल को तो मत छोड़े, चाल को लेना ही चाहिए आप अगर आप जीतना है तो किसी एक। देख सकते हो इतना ही टीम आपको जो मुझे अच्छा लग रहा है, रिकमेंड करता हूँ कि विन होने के लिए अच्छा जो कि बड़ा बड़ा पैसे के लगाते हो प्रोडिक्शन तो लगता तो है, और किसी भी ऐप में आप लगा सकते हो, और ड्रीम लोन कर छोड़कर 11 विकेट्स भी लगा सकते हो, इसके वीडियो भी मैं बनाता ही रहता हूँ। तो गाइस आपको पता ही होगा कि मैं अभी वीडियोस सभी का वीडियोस बना रहा हूँ यहाँ पे इस ड्रीम 11 का, तो इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ऐसा ही मैं रोज़ प्रोडिक्शन देते रहता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प हो सकता है अगर
यहाँ पे आप जीत गए तो अभी अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे जो कि मैं प्रेडिक्शन जो कि यहाँ पे जो जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है उसको मैं यूज़ कर कर आपको मैं प्रेडिक्शन देता रहता हूँ, जो कि आपको विन होने में बहुत ही हेल्प हो सकता है, आप विन हो सकते हो इजीली, जिसलिए मैं रोज़ बना रहा हूँ अभी से वीडियोस। तो इसलिए अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और आप सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि आपका दोस्तों भी जीत सके, ग्रैंड लीग कौन सा भी वो हो जीत सके, मैं भी आप और जो भी यहाँ पे हम ड्रीम इलेवन खेल रहे तो उन सभी को मेरे तरफ से गुड लक बोलते हुए इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।